नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश खबरों की तहत। आम आदमी पार्टी के नेता और जल मंत्री आतिशी का सत्याग्रह सवालों के घेरे में है। अनशन के स्क्रिप्ट, इसका तरीका और इसकी टाइमिंग पर विरोधी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कोई इसे ड्रामा बता रहा है तो कोई जिम्मेदारी से भागने का हथकंडा। क्या ये सवाल जायज है और आतिशी के सत्याग्रह को क्यों झूठा ग्रह तक कहा जा रहा है? आज आतिशी के अनशन पर उठ रहे सवालों के तह तक जाएंगे। दिल्ली में जब जल संकट बढ़ा और लाखों लोग जब तपती गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे, टैंकरों के पीछे भागते और जानलेवा गर्मी में घंटों उसके पीछे लाइन में नजर आने लगे, तो आम आदमी पार्टी जनता के सवालों का जवाब देने का रास्ता तलाशने लगी। तभी आतिशी के अनशन पर विचार किया जाने लगा। इसी दौरान एक घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी को इसका रास्ता नजर आया और फिर लिख दी गई सत्याग्रह के नाम पर अनशन की फुल प्रूफ स्क्रिप्ट। अब आप जानना चाहेंगे कि वो घटनाक्रम क्या था जिसमें आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण नजर आई। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई और पता नहीं किस वजह से पार्टी के थिंक टैंक इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बार तो जमानत मिल ही जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को रात को जमानत मिल भी गई। जमानत मिलने के अगले दिन तय स्क्रिप्ट के मुताबिक हलचल शुरू हुई। आतिशी सहित तमाम बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जमा हुए। इस बीच खेल बिगाड़ने के लिए ईडी के वकील दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और निचली अदालत के जमानत के फैसले को चुनौती दे डाली। बस यहीं से स्क्रिप्ट के पटरी से उतरने का सिलसिला शुरू हुआ। आतिशी को बड़े बड़े नेताओं के साथ राजघाट जाना था, वो गई लेकिन देरी से। वहां से भोगल के अनशन स्थल पर पहुंची। पहले जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसके मुताबिक जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जब जेल से निकलते तो कुछ औपचारिकता निभाने के बाद सीधे अनशन स्थल पर पहुंचते और दिल्ली के लोगों के जल संकट दूर करने के लिए केंद्र से टकराने का ऐलान करते और धरना खत्म हो जाता। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर अपना फैसला आने तक स्टे लगाकर तय स्क्रिप्ट को अमल में लाने से रोक दिया। ऐसे में आतिशी की मुश्किलें की नई पटकथा अपने आप तैयार होने लगी। जिस अनशन को कुछ घंटों में खत्म होना था वो बेमियादी अनशन में बदल गया। ऐसा हुआ तो इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हुए। पानी के सत्याग्रह के लिए अनशन पर बैठने वाली आतिशी 24 घंटे में कुछ कुछ वक्त के लिए धरने के लिए बने मंच पर नजर आती और विपक्ष का आरोप है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के वक्त से लेकर अच्छी नींद के लिए ब्रेक लेकर गायब हो जाते। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जिसमें खाली मंच और खाली कुर्सियां दिखी। पानी सत्याग्रह के एक दिन बीते नहीं कि उनका हेल्थ बुलेटिन मंच से जारी होने लगा। इसके वीडियो सामने आए तो बीजेपी ने आतिशी की सेहत की जांच करने वाले डॉक्टर पर ही सवाल खड़े करते हुए एक नया वीडियो जारी कर दिया जिसमें डॉक्टर को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया। मैं उनके कल के पैरामीटर जो वाइटल पैरामीटर है कल से आज के कंपेयर करके बताता हूँ। उनका जो सेचुरेशन है अभी 98% है, कल भी 98 था। हार्ट रेट कल 79 था, आज 80 है। टेम्परेचर भी नॉर्मल है लेकिन उनका जो बीपी है कल से कम हुआ है। जेल का जवाब वोट से, 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 जेल का जवाब वोट से। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे। हम ऑल डॉक्टर जो भी मोर देन 50 डॉक्टर यहाँ पे आए हुए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। हम अपना रिसर्च के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अब हमें पता नहीं कहाँ। जब सत्याग्रह की नीयत पर सवाल खड़े हो तो इसके एक नहीं कई साइड इफेक्ट नजर आने लगते हैं। इस मामले में ऐसा होने में देर नहीं लगी और धरने के दूसरे दिन जब मंच पर संजय सिंह भाषण दे रहे थे तब सिविल डिफेंस के वो पूर्व कर्मचारी वहां पहुंच गए जिन्हें केजरीवाल सरकार ने ही बस मार्शल बनाया था।
इन लोगों ने वेतन नहीं मिलने और नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। 240 से पहुंचे हैं और भी नीचे लोग जाएंगे, उनको सुधार करना बहुत जरूरी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जल सत्याग्रह के मंच के नीचे नए तरह के प्रदर्शन के बारे में पार्टी ने न सोचा था और न ही इससे निपटने की तैयारी की थी। ऐसी तस्वीरें आई जो बीजेपी ने हमला और तेज कर दिया और आम आदमी पार्टी से पूछा जाने लगा कि जब दिल्ली में सरकार, जल बोर्ड और जल मंत्री आम आदमी पार्टी का ही है तो क्या छुपाने के लिए अनशन किया जा रहा है। सवाल केवल बीजेपी ने ही नहीं पूछे, कुछ ऐसा ही करते आम लोग भी दिखे, जिसका एक वीडियो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के लिए, चाहे हमारा भाई बोल रहे हैं, जब आप फ्री के दारू बांटे थे तो क्या प्रधानमंत्री से पूछे थे जो हम फ्री के दारू बांट रहे हैं? जब पानी फ्री बांट रहे थे तो प्रधानमंत्री से पूछे थे हम फ्री पानी बांट रहे, बिजली फ्री बांट रहे, मोदी से पूछ रहे फ्री बिजली बांट रहे, हम महिला के खाते में एक 1,000 रुपया डाल रहे थे तो फ्री पूछे थे क्या? ये नहीं पूछे थे। लेकिन आज आप पानी ले रहे थे, मोदी जिम्मेदार है। आप जमुना जी को साफ करने के लिए 1,200 करोड़ रुपया खा गए, आपने बोले प्लांट लगाएंगे जमुना जी के साफ करके देंगे, जमुना जी साफ हो गया, बोले दिल्ली के लंदन बना के देंगे, क्या लंदन बन गया दिल्ली? तब तपाती गर्मी में लोग खोलते दिखे तो सवाल भी आग की लपटों की तरह निकले। ऐसे में एसी लगे मंच पर शीतल हवा के झोंक के बीच बंद गले की बंडी पहने संजय सिंह ने जवाब देने का बीड़ा उठाया। अपने लिए कोई मांग लेकर बैठी है क्या आतिशी जी? दिल्ली के लोगों के लिए पानी ही तो मांग रही है, कोई गुनाह कर रही है क्या? कोई अपराध कर दिया क्या? भोजन त्याग दिया, खाना त्याग दिया, भूखे पेट रह के दिल्ली के लोगों के लिए पानी मांग रही है? भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अनशन के चौथे दिन पहुंचते पहुंचते आतिशी के मंच पर तस्वीरों में अकेले गांधी जी नहीं रहे, उनकी तस्वीर के साथ फ्रेम में पानी का एक मटका भी दिखने लगा और इस नए फ्रेम के साथ आतिशी ने अपनी सेहत अनशन के बारे में खुद बताया। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए, उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। चूंकि तय स्क्रिप्ट के पटरी से उतरने से जो ट्विस्ट आया उससे अनशन के लंबा चलने का अंदेशा पैदा होने लगा, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए न केवल नरम लहजे में पहुंचे बल्कि मुलाकात के बाद भी उनका लहजा नरम रहा। अब इसी नरम लहजे से आतिशी का अनशन खत्म हो सकता है, क्योंकि टकराव से न तो अनशन खत्म होने का रास्ता निकलता है और न ही जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वालों की मुश्किलों का। क्या आतिशी का अनशन आपको भी ड्रामा लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।